मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं फेंटिंग थोड़ी देर के लिए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू मोस्ट कॉमनली फेंटिंग का कारण क्या है फेंटिंग होती क्यों है फेंटिंग होती क्या है इस बात के बारे में हम समझेंगे फेंटिंग मतलब ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो क्यों होता है वो उसमें करना क्या है आपको करना क्या होगा क्या उसको पानी पिला दें खा और सास की नली में चला गया तो क्या करें आपकी फेंटिंग में जो फेंट हो गया उसको फायदा हो या वो बच जाए राइट और कैसे पता करें कि वो क्या हुआ है देखिए बात को समझिए सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी फेंटिंग यानी एक होता है ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रीफ होना चाहिए ब्रीफ मतलब थोड़ी देर के लिए अगर पेशेंट लगातार बेहोश है वो प्रॉपर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियसनेस है वो अलग है फेंटिंग मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये हो रहा है कि आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं गया सो ड्रॉप इन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉजेस फेंटिंग एंड दिस इज एन एपिसोड ये हो गई फेंटिंग हो गई मोस्ट कॉमन ये कुछ मिनटों के लिए रहता है, एक कुछ मिनटों से कम होगा एक मिनट से कम इससे कम और आप यू रिकवर योर कॉन्शियसनेस फेंटिंग को मेडिकल लैंग्वेज में सिंकोप भी बोलते हैं syncope copy cope whatever you call it syncope is basically transient loss of consciousness ab samjho jab aap faint kar rahe ho you are not completely behosh aap you have not lost your consciousness matlab मतलब, you matlab मतलब, completely behosh to ho hi कंप्लीटली बेहोश हो मतलब लगातार के लिए नहीं हो वो कुछ मिनट के लिए एक मिनट के नीचे दो मिनट के नीचे के time के लिए हो लेकिन you not only lose, आपको पता नहीं उस बीच हुआ क्या ना सिर्फ ये आपकी मसल टोन भी चली जाएगी मतलब अगर कोई आपका हाथ उठा के आपके सर के ऊपर रखेगा तो आप अपने सर को मार दोगे दैट इज कॉल्ड एज मसल टोन कोई कॉन्शियस पेशेंट अपने आप को ऐसा नहीं मारेगा है ना कोई कॉन्शियस पेशेंट अपने आप को नहीं मारेगा बेहोश आदमी मार देगा इज अ वेरी सिंपल टेस्ट जो हम करते हैं ऊपर लाके हाथ ऐसे अरे तो गया मतलब फेंट हो गया नॉट डाइट गया बट गया सो एंड यू ऑल्सो लूज द कलर ऑफ योर फेस आपका फेस जो है लाल से सफेद होने लगेगा राइट तो दैट इज देयर और ये होता है दिस इज द बिकॉज वेन यू फेंट दिस हैपन्स बट बिफोर यू फेंट बिफोर कोई बंदा बेहोश होता है दे कैन फील वीक कमजोरी आ सकती है स्वेटिंग आ सकती है उल्टी जैसा लग सकता है नोजिएटिंग लग सकता है उल्टी जैसा तो सबको ही लगा मुझे भी लगा कभी ना कभी सो यू हैव द सेंस और ये भी लगता है कि मेरी विजन कुछ कम हो रही है फनल विजन ऐसे ऐसे हो रही है आगे के सामने अंधेरा रहा है अंधेरा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा, रहा है मैं गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा किसी किसी नॉइज आने लगती है किसी किसी को ऐसा लगता है कि हम कहीं बैकग्राउंड में फेड होते जा रहे हैं और फेड होके गायब हो जाएंगे सो मेनी काइंड ऑफ फीलिंग्स कैन हैपन ड्यूरिंग बिफोर फेंटिंग अब सबसे बड़ा सवाल भैया हुआ क्यों ये हम काहे बेहोश हो गए so this is the idea now uh, pardon me if you don't like the comedy but I like the comedy okay so fainting is because it occurs after a while agar there are some normal causes it can be uh, some serious causes there can be some very very common causes so आपको ये जानके बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि बहुत जोर जोर से खासने से भी fainting हो सकती है that is called as कफ uh, syncope uh, बहुत जोर से कास खासने से पेंटिंग पेंटिंग हो सकती है बहुत ज्यादा ताकत लगाना मोशन में उससे भी बेहोश हो सकते हैं राइट अगर आप अगर आप किसी एक जगह पे खड़े हो यू हैव बिन स्टैंडिंग इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम तब भी हो सकती है पेंटिंग और यूरिनेश करते समय अगर पेशाब करते समय भी फेंटिंग हो सकती है कई लोगों को मिक्चुरेशन सिंकोप भी होता है तो मिक्चुरेशन सिंकोप यानी पेशाब करते समय बेहोश हो जाना या फेंटिंग होना कफ सिंकोप बॉबल मूवमेंट वाला सिंकोप और एक ही जगह बहुत देर तक खड़े होने वाला सिंकोप सो फेंटिंग कैन ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स लाइक बहुत सीवियर पेन है इतना दर्द इतना दर्द है बेहोश हो गया या बहुत ही डर है इतना डर है इतना डर है बेहोश हो गया राइट इमोशनल डिस्ट्रेस कई लोग होते हैं ना खून देख के डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं दैट इज काइंड ऑफ फियर सिंह को राइट इमोशनल डिस्ट्रेस इज ऑल्सो कोई बहुत बुरी खबर सुन ली अनफॉर्चुनेट न्यूज तो भी फेंटिंग हो सकती है सो दैट इज देयर अब उसके अलावा मेडिकल ये हो गए थोड़े सीरियस कॉजेज पे आते हैं थोड़े मेडिकल काजेस पे आते हैं मेडिकल काजेज में जो मोर सीरियस हो जाएंगे दैट इज सबसे कॉमन है आपकी मेडिसन मतलब आपको जो ध्यान रखना है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़्यादा खाली तो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर फेंटिंग एन्जाइटी की मेडिसिन से कई बार वो ज़्यादा खाली फेंटिंग हो सकती है डिप्रेशन की मेडिसिन ज़्यादा खाली फेंटिंग हो सकती है उसके अलावा ड्रग्स ले लिए किसी भी प्रकार के ड्रग्स कोई भी ड्रग्स कोई भी किसी भी प्रकार के आपने ड्रग्स ले लिए कोई भी ड्रग्स तो भी फेंटिंग हो सकती है राइट right? उसके अलावा अल्कोहल यूज़ अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल दारू यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा पी ली गलत दारू पी ली तो भी फेंटिंग हो सकती है हार्ट डिजीज हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है मान लीजिए रिदम प्रॉब्लम है हार्ट की रिदम प्रॉब्लम हुई तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा अल्टीमेटली थी सी पॉइंट समझो ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है ना सो so ब्रेन में ब्लड कब नहीं जाएगा ये सब तो हो गया एक फियर्स इनको वो सब अलग हो गया ये क्या है अल्कोहल यूज़ कैन कॉज डायरेसिस एंड उसके वजह से हाइपोटेंशन दवाइयों से हाइपोटेंशन हो सकता है हार्ट डिजीज अगर हार्ट में रिदम प्रॉब्लम आ गया हार्ट फड़फड़ाने लग गया तो हाइपोटेंशन हो सकता है सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन कॉज फेंटिंग हार्ट की रिदम प्रॉब्लम हार्ट का अटैक दिमाग का स्ट्रोक राइट रैपिड हाइपर वेंटिलेशन बहुत ज्यादा तेज तेज सांस ले रहे हो तो भी फेंटिंग हो सकता है बहुत तेज तेज सास रहे इंट्राथोरसिक प्रेशर बढ़ जाता है इट कैन एक्चुअली सप्रेस योर हार्ट रेट सप्रेस योर ब्लड प्रेशर बहुत जोरदार शुगर लो हो जाए चक्कर आ जाएगा बेहोश हो जाओगे दौरे एक्चुअल दौरे पड़ जाए सीजर डिसऑर्डर उसमें भी दिक्कत हो सकती है सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन कॉज फेंटिंग एंड सीजर सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर फ्रॉम एनीथिंग मे बी शायद ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है यहां वहां से उससे बीपी कम हो गया डिहाइड्रेटेड और सिवियरली डिहाइड्रेटेड उससे आपका बीपी कम हो गया या फिर एकदम से एक जगह बैठे बैठे आप खड़े हो गए लेटे लेटे आप खड़े हो गए लेटे लेटे खड़े हो गए दैट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू फेंटिंग विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टूडे इफ टाइम परमिट्स बट देन ओके होम केयर होम केयर का क्या मतलब अगर आप घर में क्या करना है ठीक है अगर आपको फेंटिंग की हिस्ट्री अगर पहले एक बार दो बार हो चुका है तो बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी प्रकार की ऐसी पोजीशन में ना खड़े हो जहां से फेंट करके आपको चोट लग जाए ज़्यादातर केसेस में आप बैठे रहें लाइंग डाउन रहे या ऐसे कोई भी चीज़ जिस पर सर लग के सर लग के आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाए उसको हटा दे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ और अगर कोई पर्सन आपको फेंटिंग होते हुए फेंट हो गया फेंट हो गया तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट चेक द पर्सन इज ब्रीदिंग और नॉट गले में कुछ अटका तो नहीं है मुंह में कुछ है तो नहीं फंसा हुआ और वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है एंड सेकेंड यू कॉल फॉर हेल्प अपना जो भी आपका नियर बाय हॉस्पिटल है एम्बुलेंस है जो भी कॉल करिए एंड बिग इन रेस्क आप उनके मुंह में दो बार फूक मार सकते हैं और सीपीआर कर सकते हैं मैंने सीपीआर आपको बताया हुआ है अगर नहीं पता तो जाके देख लो सीपीआर का वीडियो और बेसिकली छाती के बीचों भी दबाना है एक मिनट एक सेकंड में दो बार एक सेकंड में दो बार आपको दबाना एक के ऊपर हाथ रख के आई से आई से बस खत्म तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा आप क्या करेंगे उनके जो अगर बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उनके कपड़े कपड़े थोड़े ढीले कर दीजिए उनके पैर को एलिवेट कर दीजिए ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा ब्रेन की तरफ आ जाए पैर को एलिवेट कर दीजिए अबव द लेवल ऑफ द हार्ट उसको बेसिकली 12 इंचेस ऊपर लेके जाना पड़ता है 30 सेंटीमीटर ऊपर उसके लिए टेढ़े बेड पे लेटा दो या ऐसी पैर ऊपर कर लो और अगर उन्होंने वॉमिटिंग करी है तो उनको एक तरफ लिटा दो एक तरफ लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में चेंज उनको टेढ़ा कर दीजिए ताकि वो सांस की नली में उल्टी ना चले जाए और Uh, उनको लाइंग डाउन पोजिशन में रखिए फॉर एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स चाहे वो वो थोड़ा उठ जाए तो भी भाई साहब लेटे रहो शांति गर्व हाँ शा, लेटे रहो राइट right? एक कूल्ड एंड क्वाइट प्लेस पे होना चाहिए ढाडा ढाडा साउंड वाले प्लेस में नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन अगर फिर भी उठना ही पड़ रहा है तो पर्सन जो है अपना उठ के बैठे एंड दे कैन पुट देयर हेड्स बिलो बिटवीन देयर नीज पैर ऊपर करके पैर ऊपर करके हेड बिटवीन देर नीज ऐसे रख के बैठ सकते हैं दैट इज आल्सो वन गुड पोजिशन इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी लग रही है तो अस्पताल लेके जाइए अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है उसको चक्कर आ रहे हैं साठ पचास के ऊपर है चक्कर आ रहे हैं बार बार बेहोश हो रहे हैं चेस्ट पेन भी है साथ में इरेगुलर हार्ट बीट लग रही है बेहोशी में मान लो स्पीच मुंह टेढ़ा हो रहा है स्पीच अलग हो रही है हाथ पैर एक सुन पड़ रहा है विजन प्रॉब्लम हो रही है देख नहीं पा रहे मूव नहीं कर पा रहे कन्वर्जन हो रही है टंग बाइट हो रही है ब्लैडर निकल गया पिछाप निकल गया लैटरिन निकल गया ऐसी कोई भी चीज़ होती है या फिर बहुत ऊपर से गिर गया ब्लीडिंग हो रही है चोट लग गई है तो फिर भाई साहब कृपया हीरो ना बने डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस कैन बी वेरी सीरियस डॉक्टर वहाँ पे चेक करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसके हिसाब से इलाज करेंगे उसमें बहुत सारी चेकअप होती है हार्ट का भी चेकअप होता है ई भी होती है एक्सरे भी होती है और बाकी जो भी सिम्टम है उसके हिसाब से ई दिमाग का एम भी किया जा सकता है वॉट इट इज़ वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है कि आप बात को समझो आपको करना क्या है करना नहीं नहीं करना है क्या नहीं करना उनको पानी नहीं पिलाना गलती से भी उनको कुछ समय ना तो कुछ खिलाना है ना तो कुछ पिलाना है कोई उल्टे सीधी चीज नहीं पिलानी है याद रखिए दिस इज़ वेरी वेरी की इंपॉर्टेंट आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज पेंटिंग एंड वॉट इज सिनको थैंक यू सो मच Thank you.